नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे पटना की। पटना में एसटीईटी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसको लेकर आरजेडी कार्यालय के बाहर राजद से मृत्युंजय तिवारी ने उन्हें समर्थन दिया और कहा कि सड़क से लेकर संसद तक हम छात्रों की बात को रखेंगे। अरवल के फतेहपुर संडा कॉलेज में पांचवें चरण और अंतिम चरण के करपी प्रखंड की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। करपी प्रखंड जिला परिषद भाग एक से नरेश शर्मा को विजय घोषित किया गया। कई पंचायत में मुखिया प्रत्याशी न चुने गए तो कई मुखिया प्रत्याशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बता दें कि प्रत्याशियों के समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर जीत की बधाई दी। वहीं प्रत्याशियों ने पत्रकारों के समक्ष जीत की खुशी जाहिर की और जीत का श्रेय जनता को दिया। मत का विरोध होता है। मोतिहारी में घोड़ासैन प्रखंड के अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 से नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य शाबिर हुसैन ने हमारे संवाददाता टुनटुन सिंह से खास बातचीत की और बताया कि घोड़ासैन से जीत का राह आसान नहीं था, काफी मशक्कत और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बाद जीत हासिल हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूँ टुनटुन कुमार सिंह। इस वक्त पंचायत चुनाव जो सभी जगह चल रही है और बाढ़ और कोरोना को लेकर जो चुनाव आयोग को जो गाइडलाइन है, जो प्रखंड बाई प्रखंड चुनाव हो रही है, उसी में जो घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र जो है, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 से वहां चुनाव हो चुका है, जहां वहां का चुनाव लड़े थे साबिर हुसैन जी, जो मेरे साथ आज हैं बात करने के लिए, जो पहली बार राजनीतिक में उतरे, कदम रखे और पहली बार ही चुनाव जीत गए। और वैसे लोगों को जो ये हराए हैं, जो इससे पहले लगातार 4 टर्नआउट जीत चुके थे, वैसे व्यक्ति को वो चुनाव हराए हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर आप लोगों का आपका चुनाव जो चुनाव प्रचार में जब घर से निकले तो आपका मुद्दा क्या था और किस मुद्दे पर आप चुनाव जीते। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का जो बनकटवा क्षेत्र में पड़ता है 44, वहाँ से अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आखिर वो चुनाव जीत कर अपनी सत्ता भी चला सकते हैं, आखिर आगे पांव फसरने का उनका मंसूबा क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि पहला राजनीतिक में कदम रखे और क्या ऐसा लोगों के बीच में रखे जो उनको वोट लोग सभी लोग अपना मत दिया और उनको विजयी बनाया। सबसे पहले साबिर जी, आपका बिहार न्यूज में स्वागत है और शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल है ये कि आप 46 से सबसे पहले चुनाव लड़े, जो पहला ही चुनाव आपका रहा, और इससे पहले जो जिनको आप हराए हैं वो 4 बार वहाँ का मतलब 46 का रह चुके हैं, और सबसे बड़ा बात है कि आप किस मुद्दे पर आप क्षेत्र में उतरे और लोगों को कैसे लुभाए कि आप विजय प्राप्त किए, इस पर बताएं। सबसे पहले 44 बनकटवा और 46 के घोड़ासहन जनता मालिकों को मैं नमस्कार, सलाम अलैकुम और प्रणाम करता हूँ। वहाँ मुद्दा क्या था? विकास, शिक्षा, सड़क, कहीं भी कोई काम जो जीते हुए प्रतिनिधि थे 20 साल में किसी भी क्षेत्र में वो काम नहीं किए थे। हम लोग आए जनता मालिकों से मिले, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या हम करेंगे आगे, वो सभी मुद्दा बताया गया लोगों को, अपना हर चीज़ रखा गया कि मैं ये कर सकता हूँ और ये काम है। लोग को पता नहीं था, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि इस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं है कि हम विकास करें, तो लोगों ने हम पर भरोसा जताया और हमें चुनकर यहाँ लाया। अच्छा सभी जी, सबसे पहले एक बात बताया कि आप मैदान में पहली बार उतरे और ऐसे जन प्रत्याशी के जो विपक्ष में आप लड़ रहे थे जो पहले से जीते हुए थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या ऐसा आपका थ्योरी रहा जो लोगों को लुभा पाए, आप ये बताइए। देखिए, हम लोग समाज में बहुत दिन से काम भी कर रहे हैं, जितना लोग हमारे पास में आए अपना दुख दर्द लेकर, हम लोग हमेशा खड़ा रहे उनके साथ में। लॉकडाउन हो या कोई बीमारी हो, हम लोग हर घर जा कर के जो जरूरतमंद है
हर चीज़ का हमने इंतजाम किया है। लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, उस समय भी हमने जाकर हर घर को राशन दिया है, हर घर को दवा दारू मास्क सैनिटाइजर सब दिया है हम लोगों ने। लोगों को हमारा काम पसंद आया कि भाई ये हमारे दुख में खड़ा है, इसलिए लोग हमारे साथ दिए। अच्छा एक बात और बताइए, जो आप चुनाव के समय जो गांव में जब भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय सबसे ज़्यादा समस्या किस बातों पर आई, किस मुद्दे को लेकर? सब लोग का एक ही काम कहना था कि यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं, रोड शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों पर लोगों का कहना था कि आप आए और इसको बेहतर बनाएं। अच्छा अब तो चुनाव आप जीत गए हैं, और लोगों का क्या उम्मीद रखे हैं, लोग आप पब्लिक आपसे क्या उम्मीद रखे है? हम जब भी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, जब हो जाएगा उसके बाद में सबसे पहला हम लोग शिक्षा पर काम करना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम लोग अभी अपने निजी फंड से अभी कुछ दिन बाद हम लोग ऐलान करेंगे, हम अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस का सुविधा दे रहे हैं, जिससे लोग को सिर्फ हमारे अपने फंड से है, ये कोई सरकारी फंड नहीं है, सरकारी फंड का जो एम्बुलेंस है वो है, लेकिन हम अपना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस हम अपने तरफ से फ्री दे रहे हैं, जो अभी ऐलान नहीं करेंगे वो अभी हमारी तैयारी चल रही है। सर आपके क्षेत्र में कितने ये पंचायत पड़ती है? 6 पंचायत है। तो एम्बुलेंस से किस हिसाब से पहले से मन बनाए हैं कि 6 पंचायत है, एक एम्बुलेंस या 6 एम्बुलेंस? हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी सुविधा का लाभ उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो उस पर काम करेंगे कि वो भी अपना रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन क्षेत्र में एक एम्बुलेंस हो जाने से पूरा घोड़ासन प्रखंड का या हमारे 6 पंचायत का काम नहीं हो पाएगा, तो उसमें हम लोग और माननीय विधायक जी से कहकर और जहाँ से भी कर पाएगा तो उसमें हम लोग और माननीय विधायक जी से कहकर और जहाँ से भी कराना हो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि अपने जो हमारा निजी क्षेत्र पंचायत है वहाँ पर एक एम्बुलेंस हम अपने तरफ से दें, जो हमारा ड्राइवर या हमारा काम करने वाले लोग फौरन पहुँचे वहाँ। सरकारी एम्बुलेंस में फ़ोन गया वो थोड़ा देर बाद पहुँचते हैं, लेकिन हम लोग वैसा सर्विस नहीं देना चाह रहे, 10-15 मिनट में आदमी उनके घर जाए, वहाँ से पेशेंट को ले और हॉस्पिटल तक पहुँचाए, ये हमारी जिम्मेदारी रहे। अच्छा एक सवाल मेरा और है, जैसे आप 46 से चुनाव जीत गए हैं और फिर 44 से आप अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा बात को लेकर और क्या मंसूबा आप क्या बनाए मन में कि आप अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं वहाँ से? यहाँ भी वही मुद्दा है, यहाँ भी कोई क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं जो यहाँ से अभी प्रतिनिधि चुने गए थे जिला परिषद के, तो यहाँ से भी लोगों का कहना था, और हम लोग भी देखे कि भाई हमारे अगल बगल में हैं हम लोग दोनों क्षेत्र, और हमें यहाँ से भी लोग चुनने के लिए जब तैयार हैं तो हम यहाँ भी आकर यहाँ अपना सेवा करें लोगों का। अच्छा आप तो जीत कर 5 साल अपना खुद ही सत्ता चला सकते हैं, लेकिन इतना मन में लालच क्यों लाए आप? ये लालच नहीं है, हम जीत गए थे हम वहाँ से भी चला सकते हैं, आगे हम लोग और भी कोई चीज़ का दावादार हैं जिसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा ये कहीं चेयरमैन आगे चल के जो बड़े कुर्सी है उस पर बैठने का सपना तो नहीं है कहीं? जनता मालिकों का साथ होगा और ऊपर वाले चाहेंगे तो हम लोग जरूर कोशिश करके अपना मकाम हासिल करेंगे। अच्छा अगर कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर 44 से भी अगर हम विजयी प्राप्त करते हैं तो बड़े कुर्सी पर बैठने का पूरा मंसूबा तो नहीं बनाया? हर आदमी चाहता है कि हम ऊपर जाएं, नीचे तो कोई जाना चाहते नहीं है, तो आप लोग चाहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। सिंगल क्षेत्र से भी आप जीत कर चाहे तो बड़े कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो आखिर ये पैर पसारने का क्या आपका उद्देश्य है? देखिए सिंगल क्षेत्र से भी जा सकते हैं, कुर्सी वहाँ जो अगर मान लीजिए ऊपर जाना है तो वहाँ सीट का हिसाब होता है, उस सीट में वहाँ लेडीज सीट है तो हमारी भी परिवार रहेगी, तो हम लोग दावेदार भी हैं और हो भी सकते हैं, कोशिश किया जाना है, कोशिश करना गलत नहीं है। अच्छा कहीं ना कहीं इनके मन में ये चल रही है कि अगर इनकी जीत होती है तो ये सिंगल जो मतलब जेंट्स कैंडिडेट हैं और लेडीज़ कैंडिडेट की वहाँ कुर्सी है तो ये नहीं बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि यहाँ से अगर विजय प्राप्त करते हैं तो आगे चल के बड़े कुर्सी पर बैठने का इनका मन का जो भी जो चल रही है उसे मन से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात मेरा लास्ट सवाल यही रहेगा आपको कि 44 से सबसे ज़्यादा किस समस्याओं पर लोगों के साथ आपके विशेष जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं क्या समस्या आ रही है यहाँ? 44 में हम लोग बहुत जगह गए हैं,
बहुत जगह नाला का बहुत दिक्कत है, जो रोड पे पूरा पानी निकल रहा है, रोड सड़कें सभी टूटी फूटी हुई है। यही सब लोग का कहना है कि आप आएँ और ये सब काम कराएँ। और बहुत ऐसे लोग ज़रूरतमंद भी हैं जिसको भी लोग देखकर, अब जैसे बहुत लोग यहाँ गरीब है जिनके रहने के लिए घर नहीं है, उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, तो वो सभी काम के लिए हम लोग आगे आएंगे और करवाएंगे जहाँ से जिस तरह होगा। और हमको कोई लालच नहीं है कि इस क्षेत्र से आके हमको दो सीट हो जाए, सिर्फ हम सेवा के भाव से आए हैं, न कि राजनीतिक कोई मुद्दा है। हम लोग जहाँ भी रहे हैं वहाँ काम किए हैं और लोग हमको काम पर ही चुना है। नवादा महाविद्यालय में एनुअल सेमिनार स्पेशल लेक्चर टॉपिक पर आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पीएनएस पांडे नवादा जिला और सत्र न्यायाधीश विशिष्ट अतिथि रमाकांत शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। इस तरह का आयोजन और इसमें जितनी सारी बातें हमारे मुख्य वक्ताओं के द्वारा कहे गए, जैसे 10 पॉइंट्स दिया नरीमन सजेशन ने, जो नरीमन जस्टिस थे, नरीमन लॉयर हैं, और उनके बारे में जो रमाकांत शर्मा साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बार काउंसिल ने जो कहा पटना, उन बिंदुओं को एक वकील को याद रखना चाहिए और उससे उनकी प्रगति जो है उनको एज ए लॉयर टुवार्ड्स बार बेंच और क्लाइंट्स, ये सबको फायदा होगा। आई थिंक सो कि क्लासेस के साथ इंटर्न बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप आप जितना से ज़्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो आप एज एडवोकेट आप बनने के बाद सीखते हो वो बिफोर आपको सीखने को मिल जाता है। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर के धरती पर पहली बार पधारे। वहीं बीजेपी के युवा तेज तरार नेता जयराम विप्लव ने भी संबोधित किया। इस मौके पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार सहित दर्जनों विधायक और मंत्री मौजूद रहे। आपने मेवालाल चौधरी जी को जिताया था, पिछली बार भी जिताया था और इस बार चल रहा था और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। कौन सा काम हुआ सब लोग बता रहे थे, यहाँ से कितने लोगों को भागना पड़ा था, और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था, कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था, क्या स्थिति थी। और सब लोग तो कही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, तो ये माहौल था। और उसके बाद जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने तो सभी इलाके में क्या नहीं शुरू किया था, हर तरह से जो कुछ भी लोगों की जरूरत है उसके लिए प्रारंभ से ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और हर बार जब आप मौका दे रहे हैं हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ सड़क और पुल के निर्माण का नहीं, महिलाओं की क्या हालत थी, कितने बच्चे स्कूल जा पाते थे, गरीब गुरबा तबके के लोगों को स्कूल जाने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी, बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने एक एक चीज का सर्वेक्षण कराया, घूमते रहते थे, हेलीकॉप्टर उठाया। अभी ऐसा कुछ चीजें जो आपको गरीब बच्चा दिखा उनको आप कमेंट पेंसिल किताब कापी देना चाहिए, ताकि उसको बताना चाहिए क्या पढ़ो। तो ये नहीं करके आप बिहार में एक अलग तरीके का माहौल बनाना चाहते, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि राजनीति हमें, हमारा मानना है कि संघर्ष के बदौलत आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं और बिहार की जनता को आप काम कर सकते हैं। ये राजनीति जो है वो विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है। आज मेरे 40 साल की उम्र में, मैं 22 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुंबई से लेकर बिहार तक मैं लड़ाई लड़के आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, और आपको ये विरासत में मिला है और हमें पता है कि इसको आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप तो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, आप अपने बड़े भाई को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो बिहार के बालक और जनता को क्या सम्मान देंगे और आप अपने गठबंधन को क्या सम्मान देंगे। इसलिए कहीं पे कहीं कोई किंतु भ्रम तो नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और बिहार में जिस तरीके से विकास का 16 साल से गंगा बह रही है उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। देश के स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहटा में नवी वाहिनी एनडीआरएफ द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन आईआईटी बिहटा से
टीपी हाई स्कूल तक किया गया, जहां हरिचरण प्रसाद डिप्टी कमांडेंट ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और इस दौर में एनडीआरएफ के कर्मियों के साथ हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के तहत हमने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बिहार फायर सर्विसेज और अपने स्कूल के बच्चे सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। क्या इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही है, सिंपल सा, हम एक हैं, मेरा देश महान है और हम इसकी एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका एक सांकेतिक वैल्यू है। कहाँ शुरू हुई थी है? जी, हमने ये आईआईटी गेट से शुरू किया था और ये ठाकुर प्रसाद हाई स्कूल के पास इसकी समाप्ति की है। बाड़ अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र में दूध विक्रेता मंटून यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में भदौर पुलिस समियागढ़ पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाढ़ एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने दी। सर, किस मामले में गिरफ्तारी की गई है, क्या उद्घाटन हुआ? देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, दिनांक 8 अक्टूबर को भदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या कारित की गई थी, जिस पर दिनांक 9 अक्टूबर को धारा 302, 120 बी और 34 के तहत 27 आम सेक्ट के तहत अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध हत्या कारित करने का अपराध एक दर्ज किया गया था। इस अपराध में मंटून यादव हैं, प्रहलादपुर के रहने वाले, थाना घोसवरी समयागढ़ ओपी के हैं, इनकी हत्या की गई थी। मुजफ्फरपुर शहर में 15 दिनों से लापता लड़की के नहीं मिलने पर आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। बता दें कि 15 दिन बाद भी लापता बच्चे का सुराग नहीं मिल सका है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और स्थानीय लोगों ने प्रभात सिनेमा चौक पर रोड को जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के पास गए तो पुलिस प्रशासन सुन रहा नहीं कुछ, उसके बाद बोला बड़ा बाबू आई नहीं है, आज भी छुट्टी में है, और जो आयु मिला वो डिप्टी, उसको वो बोला आज बनारस में डिप्टी है, कभी सोनपट्टी में डिप्टी है, वो बोला हमारे पास बड़ा बाबू बोलेंगे तभी हम कोई काम करेंगे आगे। क्या मामला है? मामला है अपहरण का। आश्वासन दिए हैं कि एक सप्ताह का टाइम लिए हैं हम लोग वर्षा कुमारी को, जो है कि हम लोग कहीं भी होगी तो हम लोग कोच के जो है कि परिजन को सुपुर्द कर देंगे। कब से लापता है पुलिस, इतने दिनों तक क्या कुछ कर रहे हैं? 11 अक्टूबर को ही निकली थी और प्राथमिकी भी दर्ज है इस पर, और माता पिता के द्वारा जो प्राथमिकी में जो मोबाइल नंबर का जिक्र किया गया है उसका हम लोग CDR के लिए भेज चुके थे, CDR भी प्राप्त हो चुका है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।